वो अपनी भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। सिलाई कढ़ाई के लिए भी आप चाहेंगे तो हम लोग जैसे पाल लेकिन हम ये अब हकीकत मिलता था तुम नहीं बोल। जनपद मुरादाबाद में हम नारी उत्थान केंद्र खोले हैं, उसमें एक ही छत के नीचे हम लोग जो पारिवारिक विवाद है उसको भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्राइम के विक्टिम्स है, खासतौर पे सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो विक्टिम्स हैं, उनको काउंसलिंग करना, उनका रिहैबिलिटेशन, लीगल एड, मेडिकल एड के लिए हम लोगों ने नारी उत्थान केंद्र का शुरुआत किया। महिला उत्पीड़न की काफ़ी शिकायतें हमको प्राप्त होते हैं। एवरेज हमको 300 अप्लीकेशन एक महीने में प्राप्त होते हैं, उसमें हम लोग 90% केसेस में समझौता कराते हैं और 10% केसेस में FIR लग होती है। FIR के बाद फिर चार्जशीट लग के न्यायालय में उनका होता है। नारी उत्थान केंद्र की वजह से 90% महिलाओं को, खासतौर पे बच्चों को, महिलाओं को काफ़ी उसका लाभ मिल रहा है। छोटी छोटी बातों पे जो परिवार अलग होने के लिए वो हो जाते हैं, जब हमारे काउंसलिंग की वजह से फिर वो राजी हो जाते हैं और एक साथ रहने के लिए खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। देखिए, नारी उत्थान केंद्र में दो तरह की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। एक तो पति पत्नी के विवादों का, एक 376 और पॉस्को एक्ट की पीड़िताओं का, दुष्कर्म एवं एसिड अटैक वाली पीड़िताओं का। तो जो पति पत्नी के विवाद हैं, और लमसम 2500 विवाद हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिसमें से हमने 15 लोगों में समझौता करा के पति पत्नी का घर बसाया गया है, और मिनिमम 200 केस ऐसे हैं जो अपने कार्रवाई कोर्ट से कराना चाहते हैं। टोटल जो समाधान है वो कितने हैं? 1500 है। 1500 बिल्कुल, जिनका घर बसाया गया नारी उत्थान केंद्र के माध्यम से। जो 376 की जो पीड़िताएं हैं, उसमें 67 केस हमारे यहाँ पे आए हैं, जिसमें हमने 66 के काउंसलिंग करा के पीड़िताओं को जो है मेडिकल उपचार, उनका सिलाई कढ़ाई या फीस का माफी वाला, या पढ़ाई का, जिनको पढ़ाई की आवश्यकता, उनका स्कूल में एडमिशन वगैरह कराया गया है। और दो बच्चियां ऐसी हैं जिनकी जो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी वगैरह हम लोगों का जुम्मे था कि जो है हम तो उनका 15 दिन में मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, और प्लस उनकी एक की डिलीवरी हो चुकी है और एक की 15 दिन बाद डिलीवरी होनी है।